हेलो फ्रेंड्स, रेव व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आलू मटर के कोफ्ते बनाऊंगी। आप उसे आलू बड़ा भी बोल सकते हो, आलू मटर के कोफ्ते बोलते हैं हम इसे। और इसके लिए पहले मैं आपको चटनी बनाना बताऊंगी, खट्टी मीठी चटनी। और वो आप आलू बड़ा के साथ साथ, आप जैसे कि आलू बड़ा के साथ तो खा ही सकते हो पकौड़ी, कचौरी, समोसा और ब्रेड बड़ा, इसके अलावा आप रोटी के साथ भी इस चटनी को खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तभी आपको लगेगा तुरंत मुझे भी ये चटनी बनानी है और आप जरूर बनाओगे। तो अब हम बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली वो आपको बता देती हूँ। मैंने हरा धनिया लिया है इसके लिए, और ये थोड़ा मैंने दही लिया है, एक दो चम्मच दही होगा या करीब करीब, और दही आपको खट्टा नहीं लेना। और थोड़े से मैंने मूंगफली दाने लिए और थोड़े मैंने इसमें भुने चने लिए, और मूंगफली दाने को भी मैंने भून लिया है। और जीरा लिया एक चम्मच, और एक चम्मच चाट मसाला लिया, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो, और एक नींबू का रस मैंने निकाल लिया, और थोड़ा मैंने ये गुड़ लिया है क्योंकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ी सी मैंने इमली ली, इमली आपको बता देती हूँ कि कितनी। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने इमली ली है, और 10-12 कली मैंने लहसुन की ली है। लहसुन अगर आप नहीं खाना चाहते हो तो लहसुन को आप हटा सकते हो। और 4 मैंने हरी मिर्ची ली है, और 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, इसको मैंने ऐसे काट लिया छील करके, और थोड़ी सी मैंने इसमें केरी ली है। अब ऐसा नहीं है कि सभी चीजें आपको लेनी, जो चीजें घर में हो वो आप ले सकते हो, अगर इसमें कुछ चीजें नहीं है तो नहीं लोगे तब भी आपकी चटनी अच्छी बन जाएगी। और आप जैसे चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हो, इस तरह से आप इसको चेंज करके वो भी ले सकते हो कटाई के लिए। अगर केरी नहीं है तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हरे धनिया को डाल देती हूँ इसमें। और पानी की जगह फ्रेंड्स आपको इसमें बर्फ डालना, जिससे चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहे। ये सभी मसाले हम इसमें डाल देते हैं और पीस लेते हैं, हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया। अब हम इसे पीस लेंगे पहले ऐसे थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने बर्फ लिया, अब मैं इसमें ये बर्फ भी डाल दूंगी। अगर हमें कम लगेगा तो हम और इसको एक बार खोल करके चेक कर लेंगे, जरूरत है तो हम फिर से बर्फ का टुकड़ा एक और डाल देंगे। स्टार्टिंग में आपको इसे पल्स मोड पर चलाना धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनकर तैयार हो गई है, खट्टी मीठी चटनी। और अगर आपको इसको और पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें या थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा और डाल सकते हो। और ये देखिए, एकदम इसका बहुत ही बढ़िया कलर आया है और एकदम इस तरह से बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसका पानी भी अलग अलग नहीं जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, कहीं कहीं मैंने देखा चटनी का चटनी अलग रह जाती है और पानी अलग से चला जाता है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम आलू बड़े या आलू कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। आलू बड़े के लिए हम गोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम बेसन लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी, और अजवाइन हम हाथ से मसल करके डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल देंगे। आप चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसमें सौंफ भी डाल देंगे, और थोड़ा सा देखिए हल्का सा मीठा सोडा डालना, 1 पिंच जितना, बहुत ज्यादा आपको ये मीठा सोडा नहीं डालना है। अब हम इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए, घोल तैयार हो गया बेसन का, और इस तरीके का रखें आप, ऐसे देखिए, ऐसे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं हो, क्योंकि ये वो जो हम गोल गोल आलू के बड़े बनाएंगे वो इसमें डुबो करके और तेल में निकाल देंगे, ऐसा होना चाहिए, यानी ये चिपकना चाहिए आलू बड़े के इस तरीके से, जैसे कि इससे पकौड़ी भी निकाल सकते हैं, इस तरीके का घोल रखना आपको। आलू बड़े के लिए फ्रेंड्स मैंने चटनी बना ली है, और उसके लिए मैंने घोल भी तैयार कर दिया, आलू बड़े के ऊपर लगता है जो घोल। और अब हम उसमें भरने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मसाले के लिए मैंने क्या क्या लिया जो बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने 6 आलू ले लिए मैंने बड़ी बड़ी साइज के, और इसके अलावा मैंने इतने सारे, ये देखिए बहुत सारे मैंने मटर ले लिए, और 2 टमाटर ले लिए, और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी ये किशमिश ले ली, और थोड़े से मैंने ये देखे काजू ले लिए, हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्च मैंने इतनी सारी ली, अगर आपको कम डालनी है तो आप कम कर सकते हो, और अदरक का पेस्ट ले लिया मैंने, और थोड़ा सा मैंने ये नींबू का रस निकाल के 1 नींबू का रस ले लिया, और ये थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया, और 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला ले लिया, और 2 प्याज ले लिए मैंने,
और फ्रेंड्स अगर किसी को प्याज नहीं खाना तो आप प्याज हटा सकते हो, और इनमें से कोई चीज किसी को अच्छी नहीं लगती वो हटा सकते हैं। अब मैं आलू को दबा करके मैश कर लूंगी। आप आलू को मैशर की मदद से भी दबा सकते हो, लेकिन मुझे इसमें कुछ पीस बड़े रखने इसलिए मैं हाथ से ही दबा रही हूँ। आलू मैंने 2 घंटे पहले उबाल के रख दिए थे फ्रिज में ताकि वो पानी नहीं छोड़े इसमें, और ये थोड़े से ऐसे टाइट हो गए, सूखे रहेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फ्रिज में रख दिया पहले से ही उबाल करके। तो आप इसी तरीके से करें। तो हमने कढ़ाई रख दी और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने सरसों का लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से लौंग भी लेने हैं, और इसे आप कूट लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल दूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अभी जो हमने ये मसाला पीसा वो काली मिर्ची और इसका हम ये डाल देंगे। इसके बाद आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। थोड़ा आप बंद कर दीजिए बीच में अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो, ताकि जले नहीं। और अब आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा भूनना, आपको बहुत ज्यादा नहीं भूनने की जरूरत, थोड़े से भून सकते हैं। और इसी में ये जो मैंने अदरक कूट के रखी इसको भी हम डाल देंगे, ये भी इसके अंदर अच्छे से पक जाएगी, प्याज का कच्चापन निकल जाए जहाँ तक आपको भूनना है। देखिए ये प्याज अच्छे से भून गए, हमने ब्राउन कलर के नहीं किए, लाइट ही रखा। अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आलू पका लिया इसलिए उसको वो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सामग्री पकी हुई नहीं है तो अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें सभी मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच इसमें पिसा धनिया डाल देंगे, और 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाली इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम ही डालेंगे, और 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। और अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छे से, और ये जो मटर साबुत दिख रहे हैं इनको हम थोड़ा सा मैशर की मदद से थोड़ा कुछ कुछ मटर दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाला मिल जाए, तो ज़्यादा स्वाद टेस्टी स्वाद आएगा। तो अब हम इसको अच्छे थोड़े दबा देते हैं, कुछ कुछ मटर साबुत रहने देंगे, कुछ कुछ को दबा देंगे। बंद कर रखा गया। पूरे ही नहीं दबाने, आपको आधे मटर जैसे दब जाए और आधे मटर साबुत ही रह जाए ऐसे ही आपको करना है। और अब हम इसमें ये जो मैंने टमाटर काटे वो टमाटर डाल देंगे, और इसी में मैं एक किशमिश भी डाल दूंगी, और ये काजू भी डाल देंगे, और चाट मसाला डाल देंगे, और गरम मसाला भी डाल देंगे, और जो मैंने नींबू का रस निकाला वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब ये आलू हमने मैश किए वो डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, और 2-3 मिनट के लिए हम इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे एक साथ करके, और धनिया हम लास्ट में डालेंगे। फ्रेंड्स अगर बीच बीच में थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है तो वो चिमनी चलती है, इस वजह से थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नमक कम है या ऐसा कुछ कम लग रहा है तो आप टेस्ट करके नमक अभी भी ऐड कर सकते हो, आप इसे एक बार टेस्ट कर ले मसाला बनने के बाद तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया, और अब हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स गरम गरम की हम बोल नहीं बना पाएंगे तो हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप अलग बर्तन में भी इसे निकाल सकते हैं थाली वगैरह में, ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी। और ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे खूब सारा। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया फ्रेंड्स, और बॉल ठंडा होने के बाद ही बन पाती है देखिए। और जिस साइज की आपको बॉल बनानी है वैसे आप बना सकते हैं छोटी बड़ी, और हम सभी बॉल एक साथ बना लेंगे। अगर आप छोटी पसंद करते हैं तो आप छोटी भी बना सकते हो, इस तरीके से आपको सभी बॉल बना लेने हैं। आधे से कम की मैंने मसाले की बॉल बना ली है फ्रेंड्स, और अब मैं क्या करती हूँ इन बॉल को निकाल लूंगी, बाकी का मसाला हम रख देंगे बाद में बनाएंगे। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें ऑयल डाल देते हैं।
इसे हम डीप फ्राई करेंगे तो इसमें ऑयल ज्यादा डालना पड़ेगा। ये देख के मैं बता देती हूँ कि कितना ऑयल लेना है। करीब करीब मैंने आधा लीटर ऑयल ले लिया है। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब हम इस बेसन के घोल में डाल करके इस तेल के अंदर डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको धीमी आंच पे हम पकने देंगे, ताकि आपको बाद में गर्म होने के बाद में आंच को थोड़ा स्लो कर देना है। तो स्लो आंच पे ही हम इसे पकने देंगे धीरे धीरे, ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाए। वैसे सभी मसाले हमने पका लिए, लेकिन जो बेसन की परत वो अच्छे से पक जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे आलू मटर के बड़े। बहुत सारी जगह इन्हें आलू मटर के कोफ्ते भी बोलते हैं। आप अगर मटर के सीजन में नहीं बना रहे तो आप फ्रीजर वाले मटर आते हैं वो भी ले सकते हो। तो ये आलू बड़े बनकर तैयार हो गए। ये देखिए गर्मा गर्म बड़े मैंने बना दिए मटर और आलू के। देखिए अंदर से ये इस तरीके से, देखिए बहुत ही टेस्टी मसाला है इसके अंदर। और ये चटनी जैसे कि मैंने आपको बताई वीडियो में वो है, इसके साथ आप इन्हें खा सकते हो। ये खट्टी मीठी चटनी है, बहुत ही टेस्टी लगेगी इसके साथ में। और ये है टोमेटो सॉस, इसके साथ भी आप खा सकते हो। एक बार आप मेरी तरीके से ये जरूर बना करके देखें फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स, वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स।